अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ताहिरा फुरकान फ्रॉम ट्रेडिशनल केक्स। आज जो मैं ये केक की वीडियो अपलोड कर रही हूँ, वैसे तो ये केक काफ़ी पुराना बना हुआ है मेरा, लेकिन हुआ कुछ ये कि जब मैंने अपनी गैलरी में जो प्रीवियस वीडियोस या एक्स्ट्रा पिक्चर्स जो थी मेमोरी फुल होने की वजह से डिलीट करने के लिए बैठी, तो मुझे ये वीडियो नज़र आई कि अच्छा ये मैंने बनाया था लेकिन अपलोड नहीं कर सकी, मे बी मुझसे कहीं वो फोल्डर में मिस हो गई हो। तो इस केक की जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ कहानियां हैं, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। केक बनाने का मेथड तो सभी देख चुके हैं और बहुत मतलब माशाल्लाह घर में नॉर्मली ख़वातीन जो है मेरे हिसाब से जिस तरीके से हम खाना बनाने में एक्सपर्ट हैं, उसी तरीके से केक बनाने में भी 50-80% मेरे ख्याल से लोग केक बना ही लेते हैं। असल बात होती है जो केक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ना, उन पे हम बड़ा अच्छा बहस भी करना चाहेंगे और सुनना भी चाहेंगे। तो हुआ कुछ यूँ कि क्लाइंट ने जो मुझे केक की पिक्चर सेंड की थी, ये केक मेरा तकरीबन कोई 6 महीने पुराना ऑर्डर था क्लाइंट का, तो उनके फादर रिटायर हुए तो उन्होंने मुझे ये ऑर्डर प्लेस किया। अच्छा, मेरा ना मसला ये है कि मैं ना राउंड शेप केक्स ना बड़े अच्छे बना लेती हूँ, जहाँ मुझे स्क्वायर शेप केक बनाना पड़ जाए ना तो मुझे यूँ समझो कि थोड़ी देर के लिए ना अटैक आने लग जाता है कि यार अब ये बनेगा कैसे, क्योंकि एजेस बड़े इसके फाइन करना मुसीबत होता है। स्क्रीन पर आप एक केक देख रहे हैं जो बेसिकली क्लाइंट ने मुझे सेंड किया और वो था ही स्क्वायर में, तो मैंने बज़ाहिर उनसे ज़्यादा कोई बहस नहीं की। मैं चाहती तो इस डिज़ाइन को स्क्वायर से राउंड में कन्वर्ट करवा सकती थी, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, सिंपल सा डिज़ाइन है, थोड़े से टॉपर्स हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे के बहुत थोड़े थोड़े से टॉपर्स थे, तो वो बनाने हैं, तो मैंने ये ले लिया। अब जब मैंने ये ले लिया तो मैंने इसका क्रम कोड रात में करके रखा, और जब सुबह मैं इसको प्लास्टर करने के लिए खड़ी हुई तो भाई मुझे लग पता गया कि यार ये तो वाकई जैसा मैंने सोचा था मुश्किल है, ये तो वैसे ही मुश्किल है। मतलब मैं बार बार प्लास्टर किए जा रही थी और बीच बीच में से जो है ना वो क्रम निकल के आ रहे थे, तो खैर ज़्यादा लेयर जो है वो क्रीम की अप्लाई करनी पड़ी। अब डायरेक्ट क्लाइंट कहते हैं कि भाई हमें फादर के हिसाब से बनवाना है, तो कोशिश करें कि क्रीम ज़्यादा ना हो, नहीं शौक से खाते स्पंज ज़्यादा हो, तो वो चीज़ भी मुझे देखनी थी और इसके जो कॉर्नर्स हैं उन्हें भी मैनेज करना था। अच्छा, होता क्या है कि हम ना बड़े शौक से वीडियोस देखते हैं केक की डेकोरेशन की, तो हम सोचते हैं यार केक बनाने वालों की लाइफ भी ना एग्जैक्टली ऐसी ही होती होगी, जैसे बड़ी मैनेजमेंट के साथ, बड़ी प्रेजेंटेशन के साथ, लेकिन सच बताऊँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इतने मुश्किल में हम समटाइम काम कर रहे होते हैं, हमें तो खुद भी नहीं पता चलता कि हम कब क्या चीज़ कैसे बिखर जाए ना। अच्छा, केक ऐसा काम है कि आप ना मुस्तकिल उस पर फोकस करना पड़ता है, और जब आपके बच्चे छोटे हो ना तो फिर तो आप यूँ समझें कि आप 4 गुना नहीं, मेरे ख्याल से 10 गुना आपने केक को ना अटेंशन ज़्यादा देनी होती है, और वो बच्चे ऐसे कि जो आपका स्पंज स्लेप से खींच के खा लें और आपको पता भी ना लगे, और फिर जब आप पलट के देखें कि अच्छा भाई ये तो केक ही ख़राब हो गया। खैर बहरहाल, हमने बड़ी मेहनत के साथ इस केक को रेडी किया, और यूँ समझे कि इतने हम एग्जॉस्ट होते हैं, बॉन्ड होते हैं फैमिली और केक को लेके, कि 6-6 महीने पुरानी वीडियो हमें गैलरी में से मिल रही होती है जो हम अपलोड करते हैं, और उसको भी वॉइस ओवर करने के लिए यकीन जाने मैं कोई सुबह से बैठी हूँ कोशिश करने के लिए, लेकिन क्या है कि एक तो सर्दियाँ हैं तो वैसे ही पंखे नहीं चल रहे, अब बच्चे बार बार बीच में ना डिस्टर्बेंस क्रिएट करें और शोर करें, वो अब 1-1.5 साल के बच्चे को तो आप चुप नहीं करा सकते ना, और वॉइस ओवर करने के लिए आपको सुकून भी चाहिए। तो मुझे इस केक ने ऐसा लगता है कि कोई 6 महीने से मेरे दिमाग में ये चलता रहता था कि कोई वीडियो अपलोड करूँ, कोई प्रीवियस देख लूँ, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मुझे पता है मेरे फ़ोन में ऐसी ही रखी हुई हैं जो मैंने अब तक अपलोड नहीं की, ये उनमें से एक थी, और इसका वॉइस ओवर करना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया। इन शॉर्ट ये कि केक बनाने से लेके शायद वीडियो अपलोड होने तक इस केक ने मुझे सही सताया। अब मैंने यहाँ पर ना केक का देखें आप, प्लास्टर तो मैंने कर दिया, लेकिन ना मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अगर मैंने इसको ना प्लास्टर जो हॉट वाटर का मेथड है, अगर उससे मैंने ये अपनी फ्रॉस्टिंग फाइन करने की कोशिश की ना, तो ये मज़ीद ख़राब ना हो जाए, क्योंकि क्रीम मैंने थोड़ी सी हार्ड बीट की थी, ताकि ना ये गर्मियों का था शायद कि, तो इस वजह से मैंने क्रीम हार्ड बीट की, तो मैंने ना इसको ज़्यादा छेड़ा नहीं, मैंने सोचा कि नहीं इसको इतना भी फाइन ना ही करूँ, क्योंकि टॉपर्स ऊपर लगने थे, 3D टॉपर्स थे, ये सब चीज़ें ना, तो मैंने सोचा इसको ना ब्रश का इफेक्ट दे देती हूँ, जो भी थोड़े बहुत फ्लॉज होंगे ना वो ब्रश में खुद ही कवर हो जाएंगे। वैसे भी ब्रश का इफेक्ट मतलब थोड़ा सा यूँ समझे कि मैसी लुक होता है, तो अगर कुछ फ्लॉज आ भी जाएँ तो वो मेरे ख्याल से ब्रश कवर कर ही लेता है, तो यहाँ पर मैंने इसको ब्रश से ही कवर कर लिया। अच्छा, टॉपर्स बनाने की वीडियो मैं नहीं बना सकी थी उस वक्त, क्योंकि मेरा बिल्कुल बिगनिंग था यूट्यूब चैनल जब मैंने स्टार्ट लिया था, तो ये उस वक्त का शायद केक है, तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं होता था, क्योंकि मेरे पास बज़ाहिर के मतलब वीडियोस बनाने के लिए कोई स्टैंड नहीं है ना, मैं ले सकती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, तो मैं स्टैंड रखूँगी तो वो बच्चे ही सबसे पहले आके खींचेंगे।
तो यानी जब मुझे वीडियो कोई बनानी होती है तो उसके लिए मुझे अपने घर के किसी बंदे को इंगेज करना पड़ता है कि यार आप अवेलेबल हो तो फिर आप मेरे साथ आके खड़े हो। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब मैंने टॉपर्स बनाए तो कोई था नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो प्लास्टर की वीडियो है एटलीस्ट वो तो मैं बना सकूँ टॉपर्स की अटैचमेंट की। तो यहाँ मेरे पास जो ये तकरीबन 2.5 pound का स्क्वायर शेप केक है और ये मेरे ख्याल से कॉफ़ी फ्लेवर था, क्योंकि अब मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया इसको बनाए हुए। तो वो मैंने इसका प्लास्टर करके रेडी कर दिया है और बॉर्डर। अच्छा, मुझसे एक मिस्टेक यहाँ ये भी हुई कि मोस्टली ना पेन साइज़ और बोर्ड का साइज़ ना हमें बड़े ज़बानी याद रहता है। मैं ना 8 inch का जो केक है वो रखती हूँ 10 inch के बोर्ड पर, ना तो 2 inch का डिफरेंस रहता है। अब हुआ ये कि ये जो स्क्वायर वाला था ना ये भी 8 inch का ही था, लेकिन शायद वो स्क्वायर के डायमेंशन की वजह से ना बोर्ड मुझे छोटा पड़ गया। मैंने जब इसका क्रम कोट किया ना वसूलर, अब अमूमन ऐसा होता है कि मैं रात में क्रम कोट करके रखती हूँ, अब बच्चे जो है ना परेशान कर रहे थे, मैंने कहा कि जल्दी जल्दी क्रम कोट कर लेती हूँ, सुबह देखेंगे इसको क्या करना है। क्रम कोट करने के बाद आपको ना मतलब 50% कंडीशन पता चल जाती है कि आपका केक कैसा है। अच्छा, इस दौरान ना क्लाइंट ने मुझे मैसेज कर दिया जब मैं ये प्लास्टर करने लगी ना, तो मैसेज किया कि आप ना एक काम करें, बोर्ड पर ना हैप्पी रिटायरमेंट पापा कुछ इस टाइप का करके लिख दें। खैर, मैंने जैसे तैसे होके क्लाइंट को मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, अब तो बहुत लेट हो गया है आपका, मतलब टॉपर्स बना नहीं सकती मैं, या मतलब अब नाम नहीं लिख सकती मैं बोर्ड पे, बस जो कोटेशन आपने मुझे दी थी वो मैंने केक पे सेट कर दी। तो खैर, उसको तो मैंने मना कर दिया, लेकिन जब मुझे अंदाज़ा हुआ अगर मैं ये 10 inch की बजाय 12 inch पे लेती ना तो मुझे केक भी सही रहता। और अभी एक मसला और आगे आया, वो मैं आपको बताती हूँ आगे वीडियो में। तो केक तो बन के रेडी हो चुका है और देखें बिल्कुल कॉर्नर्स पर आया हुआ है ना, और ये हैं वो टॉपर्स के जो मैंने केक के लिए बना रहे थे। कोई था नहीं तो मैं इसकी वीडियो नहीं बना सकी, कुछ सिंगल सिंगल लेटर्स थे उनको मैंने एक ही डिस्क पे रख लिया ताकि मुझे केक पे एडजस्ट करने में ना उठा के रखने में आसान हो जाए, वरना सिंगल लेटर्स एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब इस केक के साथ मैंने इसको रखना स्टार्ट किया। अभी पहले के दौर में क्या होता था कि आप सिंपल एक केक है जिसके सेंटर में एक चेरी रखी हुई है, साइड पे कुछ पाइनएप्पल्स रखे हुए, और हम ये सोचते थे कि भाई वाह कितना खूबसूरत केक है और ये चेरी पता नहीं किसके नसीब में आएगी, हम उसी पे ही खुश हो जाते थे। लेकिन अब तो भाई केक एक ऐसा आर्ट हो गया है कि आप बंदा या बंदे की ज़ात उस पर बिठा दो, जैसे इस केक में हमने किया कि एक पूरा माहौल क्रिएट किया रिटायरमेंट का कि भाई फादर रिटायर हो गए हैं, तो हमने टीवी भी बना दिया कि वो अब अपनी लाइफ को अपने हिसाब से एंजॉय करें, न्यूज़ देखें और चाय का कप हो, बड़ी पुरसकून सी ज़िंदगी हो। तो ये बच्चों की तरफ से अपने फादर को दिया गया एक छोटा सा खूबसूरत सा तोहफा था। जैसे मैंने बताया कि बंदा भी बिठा लो, तो वो हमने ये 3D अंकल बनाए हैं कि जो केक पे एडजस्ट हो गए, यानी कि वो बैठ के अपनी रिटायरमेंट एंजॉय करें और टीवी देख रहे हैं। अच्छा जी, अब एक बड़ा मसला जो और आया, अमूमन हम मतलब नॉन हाइटेड केक्स जो होते हैं उसे 10x4 के बॉक्स में देते हैं, लेकिन भाई सिर्फ इस अंकल को जो हमने एडजस्ट किया है और ये जो टीवी रखा है ना, इसके चक्कर में मुझे इसके लिए 10x8 का हाइटेड बॉक्स देना पड़ा। मतलब खर्चे पे खर्चा शुरू हुआ और बड़ा ही कोई क्रूशल हो गया, अंदाज़ा नहीं था मुझे कि ये प्रॉब्लम आएगी। तो खैर, सारी प्रॉब्लम्स के बाद फाइनली ये केक डिलीवर हो गया, अल्लाह का शुक्र है। फीडबैक भी बहुत अच्छा आया टेस्ट से रिलेटेड, और आप लोग भी मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये केक आपको कैसा लगा, ये एक बड़ी यूनिक सी थीम थी, ये आपको कैसी लगी, और फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।